संजौली मस्जिद विवाद, मस्जिद कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने की कवायद आज होगी शुरू। वक्फ बोर्ड से मिली अनुमति, आज तोड़ा जाएगा मस्जिद। शिमला विवादित मस्जिद को तोड़ने की आज कवायद शुरू हो रही है। वक्फ बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद आज उसे मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला लिया है। पहले छत को तोड़ा जाएगा, उसके बाद निचले हिस्से को तोड़ा जाएगा। कमिश्नर कोर्ट द्वारा मस्जिद कमेटी को 2 महीने का समय मस्जिद के 3 मंजिलों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज मस्जिद कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। मस्जिद के आसपास पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ नेगी ने कहा कि आज से ये मस्जिद तोड़ने की शुरुआत की जाएगी। कुछ देर बाद मजदूर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद छत को खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फंड की कमी है, कोई तोड़ने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, ऐसे में अपने खर्च पर ही तोड़ा जाएगा। नगर निगम कोर्ट द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है और मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। जो मैंने वक्फ को लेटर लिखा था, उनका ऑर्डर मुझे आज रिसीव हो गया। और जैसे हमने कहा था, भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, हम उस पर कायम है और हम जल्दी ही शायद हो सकता है आज ही काम शुरू करते हैं। लेबर से बातचीत ही है और जैसे ही लेबर वाले आ जाए हो सकता है हम आज ही छत खोलना शुरू कर दें। हम इसका देसी रूप समझना चाहेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी की एक कमेटी है, वो भी इसको कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रही है। वहीं कोर्ट में जाने के लिए तो कम किसी को मना नहीं कर सकते, हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई जाए ना जाए उसको तो नहीं कह सकते। और हमने तो जो हमारा स्टैंड था हम उस पर कायम हैं और वक्फ बोर्ड ने परमिशन भी हमें अलाउ कर दी और हम जो है जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। अभी कितनी मंजिल है तो आपने अभी है? अभी आज हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे और हमें लेबर से बात कर ली और लेबर भी आने वाली है और हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है, पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बुलाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे हम तो अपने खुद परसों जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी, जैसा भी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड तो हमने वक्फ बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। वक्फ बोर्ड ने हमें पहले ही कहा था कि अगर आप तैयार है तो हम भी आपको अलाउ करते हैं। फंडिंग को लेकर बातचीत हुई है? सरकार तो फंडिंग देने को तैयार नहीं है, हमारे खुद कमेटी वालों को अपने पैसे काम शुरू करना। क्या आपने कर दिया था एस पी साहब भी मेरी बात हुई थी, लेटर दीजिएगा साहब मेरी वो भी टूर पे गए थे, उनको टेलीफोनिकली मैंने इतला कर दिया था कि शायद आज हमारे को NOC मिल जाएगी और NOC मिलेगी तो हम जो है काम आज शायद शुरू कर दे सकते हैं। ये महीने का तो टाइम लग ही जाएगा ना, क्योंकि सबसे मेन तो फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब पैसा तो चाहिए, अब पैसा जो होगा धीरे धीरे हमारे को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं फिर आगे इसी विवाद को खत्म करने के लिए तो हमने पहल की थी कि किसी भाईचारा जो हमारा आपस का भाईचारा है वो कायम रहे। और हमने इसीलिए आगे आए कि भाई अब जो हमारा मुस्लिम हिंदू भाई लोगों का जो भाईचारा उसको कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था और उसमें कायम है और हमने वही डिसीजन लिया। आज हम तब भी तैयार है कि हम जैसे हमने NOC ली थी कि कानून माली तो वक्फ बोर्ड है, हम अपनी प्रतिक्रिया जो उनकी कानूनी प्रक्रिया तुमने शुरू की और वक्फ बोर्ड ने मुझे अलाउ कर दिया। अगर नहीं हमारे पास काम आज से शुरू कर देंगे, वैसे उम्मीद है कि भी अगर लेबर वाले आए तो आज आगे आज ही काम शुरू कर देंगे। हाँ, 1 घंटे 1 घंटे तक काम शुरू कर देंगे। ठीक है।